नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के चोड़ी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 1 पर कवर किया था। आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क से नई दिल्ली के लिए रवाना होने से पूर्व दोपहर में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की, और ये ऐसा माना जा रहा है कि 3 महीने में ये तीसरी बार मिले मोदी व जेलेंस्की। श्री जेलेंस्की की टीम ने बैठक का अनुरोध किया था। दोनों नेताओं के बीच पिछली बार कीव में 23 अगस्त को मुलाकात हुई थी, तब श्री मोदी यूक्रेन की एक छोटी यात्रा पर गए थे। सोमवार की बातचीत के दौरान पिछले कई महीनों में उनकी यह तीसरी मुलाकात थी और उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध और यूक्रेन भारत द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की स्थिति को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। बैठक का आग्रह यूक्रेन की तरफ से ही आया था, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। यूक्रेन विवाद पर हमारा पुराना रुख है कि इसका समाधान डायलॉग यानी वार्ता एवं डिप्लोमेसी यानी कूटनीति से ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री न सिर्फ यूक्रेन रूस के बीच युद्ध में लोगों के मारे जाने से चिंतित हैं, बल्कि इस विवाद का दूसरे देशों खासकर विकासशील व गरीब राष्ट्रों पर जो इसका असर पड़ रहा है उससे भी बहुत चिंतित हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मौजूदा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए जो भी कदम संभव होगा भारत वह उठाने के लिए तैयार है। इस विषय में जिस भी तरह की मदद चाहिए वह भी उपलब्ध कराने को तैयार हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी मोदी के दौरे को याद करते हुए उसके लिए उनका धन्यवाद किया। मोदी ने जेलेंस्की से गत माह मुलाकात की थी। इससे कुछ हफ्ते पहले जुलाई में मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिले थे। भारत का मत जब विवाद से जुड़े दोनों ही पक्ष मौजूद हों तभी इसका कोई मतलब है, क्योंकि इससे कुछ महीनों पहले स्विट्जरलैंड में हुए शांति सम्मेलन में रूस ने हिस्सा नहीं लिया था। मोदी एकमात्र वैश्विक नेता हैं जो रूस और यूक्रेन दोनों के शीर्ष नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। मोदी की जेलेंस्की की मुलाकात जून 2024 में G7 शिखर बैठक के दौरान भी हुई थी। इस न्यूज पर नजर बना के रखिएगा, अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 4 पर और गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है ये। जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्र सरकार जल्द ही पॉवर्टी एलिवेशन यानी शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए समर्पित एक कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसका पायलट प्रोजेक्ट 1 अक्टूबर को देश भर के 25 शहरों में प्रारंभ किया जाएगा। इन 25 शहरों में इंडस्ट्रियल हब यानी औद्योगिक केंद्र, माइग्रेंट सेंटर्स यानी प्रवासी केंद्र, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी आकांक्षी जिले और पोर्ट सिटीज शामिल होंगे। पायलट प्रोजेक्ट 3 महीने तक चलेगा, जिसमें प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 1 महीने का प्रारंभिक चरण होगा, जिसमें टेस्ट लर्न स्केल दृष्टिकोण का उपयोग किया जाएगा। टेस्ट लर्न मतलब कि इस दौरान जो भी गतिविधियां अपनाई गई उससे क्या सीख मिली है, ताकि आगे की और प्लानिंग तैयार की जा सके। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 4 पर कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है ये भी, और ये जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। ये कार्यक्रम इनफॉर्मल सेक्टर यानी अनौपचारिक क्षेत्र के वीकर सेक्शन के उत्थान यानी कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए बनाया गया है, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर यानी निर्माण श्रमिक शामिल होंगे, गिग वर्कर, वेस्ट वर्कर यानी अपशिष्ट श्रमिक, केयर वर्कर यानी देखभाल श्रमिक, घरेलू वर्कर और परिवहन श्रमिक शामिल हैं, जो अक्सर व्यावसायिक, सामाजिक और प्रवासी कमजोरियों का सामना करते हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट का उद्देश्य माइक्रो एंटरप्राइजेस यानी सूक्ष्म उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता, सामाजिक सुरक्षा और लोन तक पहुंच प्रदान करके पॉवर्टी के साइकिल यानी गरीबी के चक्र को तोड़ना है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 4 पर। इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है ये, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 4,892 रुपए के मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दे दी, जबकि विभिन्न किसान संगठन और विपक्ष 6,000 रुपए के मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए दबाव बना रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की अवधि 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक है और खरीद 25 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक की जाएगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य एक महत्वपूर्ण सिस्टम है, जिसके माध्यम से सरकार किसानों की फसलों को पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीद कर उनका सपोर्ट करती है। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 22 प्रमुख एग्रीकल्चर कमोडिटी यानी कृषि वस्तुओं के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा करती है, जिसमें 14 खरीफ फसलें, 6 रबी फसलें और 2 कॉमर्शियल क्रॉप शामिल है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 6 पर। इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज ये भी है, जीएसटी पर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि लेबर ब्यूरो यानी श्रम ब्यूरो द्वारा सोमवार को जारी जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच की अवधि के लिए
PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्सेज यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण ने अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की सूचना दी। एग्रीकल्चर यानी कृषि में श्रमिकों के वितरण में मामूली वृद्धि हुई है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पिछले वर्षों की तुलना में रोजगार देने में कोई वृद्धि नहीं दिखी है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार हुआ है। केंद्र को बढ़ती बेरोजगारी दर और नौकरियों में महिलाओं की संख्या में कमी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता था। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR जिसको शॉर्ट में बोलते हैं 2017-18 में 50.7% से बढ़कर 2023-24 में 63.7% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए यह 47.6% से बढ़कर 52% हो गई। भारत में पुरुषों के लिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2017-18 में 75.8% से बढ़कर 2023-24 में 78.8% हो गई और महिलाओं के लिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में इसी तरह की वृद्धि से बढ़कर 41.7% हो गई। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 15 पर और ये प्लेसेस इन द न्यूज सेक्शन के अंतर्गत शामिल होगी जो कि GS1 के अंतर्गत कवर होगा। न्यूज ये है कि तुवालू पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर में एक आइलैंड कंट्री है, एक देश है। यह ऑस्ट्रेलिया और हवाई के बीच में स्थित है। इसके पड़ोसियों में उत्तर में किरीबाती और दक्षिण में फिजी शामिल है। यह 9 छोटे प्रवाल द्वीपों की एक श्रृंखला से बना है। ये द्वीप निचले स्तर पर हैं, कई में बड़े लैगून हैं और ये कोरल रीफ्स यानी प्रवाल भित्तियों से घिरे हुए हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 11 पर कवर किया था। स्पेस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS Paper 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह वीनस यानी शुक्र ग्रह पर भारत के पहले मिशन को मंजूरी दे दी है जिसे इसरो मार्च 2028 में लॉन्च करना चाहता है। वर्ष 2013 में लॉन्च किए गए मार्स ऑर्बिटर मिशन के बाद यह देश का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है यानी अंतरग्रही मिशन है। शुक्र मिशन का उद्देश्य ग्रह का उसके चारों ओर की ऑर्बिट यानी कक्षा का अध्ययन करना है। यह मिशन शुक्र की सतह और उपसतह, इसके वायुमंडल और इसके आयन मंडल और सूर्य के साथ इसका इंट्रैक्शन यानी इसका संवाद की जांच करने के लिए भारत से एवं विदेशों से वैज्ञानिक उपकरण ले जाएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि शुक्र का अध्ययन करना क्यों महत्वपूर्ण है। शुक्र को अक्सर पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है क्योंकि यह द्रव्यमान, घनत्व और आकार में समान है। इसलिए शुक्र का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को पृथ्वी के विकास के विषय में सुराग मिल सकते हैं। उल्लेखनीय रूप से इतिहास में माना जाता है कि शुक्र में किसी समय पानी था लेकिन अब यह सूखा और धूल भरा ग्रह बन गया है। ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नजर बना के रखिएगा। आने वाले टाइम में और अपडेशन देखने को मिल सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था। IR सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS Paper 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल अन्य 13 IPEF मिनिस्टर के साथ IPEF स्तंभ 2, 3 और 4 पर केंद्रित तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। IPEF की बात करें तो इसका पूरा नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी को 23 मई 2022 को टोक्यो जापान में लॉन्च किया गया था जिसमें 14 देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनोई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और USA। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी क्षेत्र में विकास, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ साझेदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव और सहयोग को मजबूत करना चाहता है। इसमें कई पिलर बनाए गए हैं। जो पहला पिलर है वो ढांचागत व्यापार का है और पिलर नंबर 2 ये आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन है। इसमें पिलर 3 में क्लीन इकोनॉमी यानी स्वच्छ अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया है। पिलर 4 में फेयर इकोनॉमी यानी निष्पक्ष अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया है से संबंधित ये 4 स्तंभ के आसपास संरचित हैं। पिलर 2 में आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन पर समझौते पर नवंबर 2023 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह फरवरी 2024 से लागू है। क्लीन इकोनॉमी पर समझौता पिलर नंबर 3 और फेयर इकोनॉमी यानी निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर समझौता जो हुआ था वो पिलर नंबर 4 के अंतर्गत किया गया था। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। आज की लास्ट न्यूज होगी हम लोगों की। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। IR सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत ओमान संयुक्त सैन्याभ्यास अल नजाह 5 2024 जो वर्तमान में ओमान के रबकूट
ट्रेनिंग एरिया में पूरे जोरों पर चल रहा है। देखिए, ये एक्सरसाइज या सैन्य अभ्यास को कवर करना इसलिए जरूरी है, आपने यूपीएससी प्रीलिम्स देखा होगा, प्रीलिम्स 2024 का पेपर देखा होगा, तो उसमें मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास और भी डिफेंस सेक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी अब क्वेश्चन पूछ रहा है, फोकस एरिया उसका हो चुका है, तो इस तरह से जुड़ी हुई न्यूज को कवर करना आप लोगों के लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकता है। आइए बात करते हैं न्यूज पर। 13 सितंबर को शुरू हुआ यह अभ्यास 26 सितंबर तक चलेगा। भारतीय सेना की टुकड़ी में 60 जवान शामिल हैं, जिसका प्रतिनिधित्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की बटालियन के साथ साथ अन्य हथियारों और सेवाओं के जवान कर रहे हैं। शुरुआती दिनों में ट्रेनिंग में युद्ध में प्राथमिकता चिकित्सा, हताहतों को निकालने, दोनों सेनाओं के हथियारों को संभालने और इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए काउंटर ड्रोन अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जो मॉडर्न वॉर यानी आधुनिक युद्धों में नवीनतम रुझानों को दर्शाता है। बाद में ट्रेनिंग में असॉल्ट राइफल, स्नाइपर, पिस्टल और LMG फायरिंग पर जोर दिया गया, ताकि वास्तविक ऑपरेशन में उनके एप्लीकेशंस यानी अनुप्रयोग का अनुकरण किया जा सके। साथियों, आज के चोरी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज के साथ, तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।